हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन की रेसिपी। आप देख सकते हो लुक वाइज कितना डिलीशियस लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में भी ये सुपर टेस्टी है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कितना शाइनियर बना हुआ है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने इसको बनाया हुआ है और उससे भी बढ़िया स्वाद है क्योंकि आपने इसको घर पर बनाया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ टिप्स के साथ इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज उसे लाइक कर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक गाजर, एक शिमला मिर्च, आधा पत्ता गोभी और यहाँ पे 2-3 हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है। आपके पास घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप इसे डाल सकते हो। फिर मैं उसमें लहसुन 4-5 कली बारीक काट के ऐड कर दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच अदरक को बारीक काट के डाल दे रही हूँ। फिर हम इसमें पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया हुआ है और सेम क्वांटिटी में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी लिया हुआ है। पहले चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अगर हमें आटा थोड़ा कम लगेगा तो हम 1-1 टीस्पून और ऐड करेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हाथ से थोड़ा सा दबा के हम ऐसे ही पहले इसको मैश कर लेंगे। मैं इसमें 1-1 टीस्पून मैदा और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि और ऐड करना चाहिए। अब इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। आपको अगर नीड ना लगे तो आप पानी ना डालें। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम गूंथ लेंगे, सारी चीज़ें आपस में बाइंड कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से गूंथ लिया है। अब हाथ पे थोड़ा सा तेल या पानी लगाकर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे देख सकते हो मीडियम साइज की बॉल बना रहे हैं। आप चाहो तो और छोटी बॉल्स बना सकते हो। एक एक करके हम सारी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे अपनी। ये देखिए, बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम हॉट पे रखा है, बहुत ज़्यादा तेज गर्म ना हो, नहीं तो आपके मंचूरियन बॉल्स बाहर से तो पक जाकर कलर आ जाएगा बट अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पर कुक करें ताकि अंदर तक अच्छे से सारी चीज़ें कुक हो जाएं बढ़िया से। इसे हमें कुक करने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाता है। आप देख सकते हो अब इस पर बढ़िया सा कलर आने लगा है और हमारी बॉल्स थोड़ी फूल भी गई हैं और बड़ी हो गई हैं, इसलिए आप थोड़ी छोटी बॉल बनाकर ऐड करें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन डालेंगे। लहसुन यहाँ पे बहुत सारा डालना है क्योंकि लहसुन से बहुत अच्छा स्वाद आता है मंचूरियन में, तो आप ज़रूर लहसुन ज़्यादा ऐड करें। 1 टीस्पून में यहाँ पे अदरक बारीक काट के डाल दे रही हूँ। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर प्याज ले रही हूँ, प्याज को भी बारीक काट के ऐड कर दे रही हूँ। 4 से 5 में यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आपको जितना तीखा कम या ज़्यादा खाना है आप उसके अकॉर्डिंग मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आप देख सकते हो एक बढ़िया सा कलर आ गया है इस पर। अब चलिए इस पर अपने सॉसेस ऐड करेंगे। आज को मैं यहाँ पे धीमा कर दे रही हूँ। फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट डाल रही हूँ, चिली सॉस। 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून में यहाँ पे विनेगर ऐड कर दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून सिजवान सॉस ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिजवान सॉस है तो आप ज़रूर ऐड करें। मंचूरियन में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है मंचूरियन में सिजवान सॉस, तो आप ज़रूर ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसे 1-2 मिनट तक हम अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए, सारी सॉसेस हमारी अच्छे से कंबाइन हो गई हैं आपस में। अब चलिए इसमें पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपको अगर थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी बनानी है तो आप कम पानी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो अच्छे से सारी पानी मैंने मिक्स कर दिया इसमें। अब इसको उबाल आने तक हम पका लेंगे बढ़िया से। इसमें एक उबाल लानी है। ये देखिए, उबल गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आप थोड़ा ही डालें क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होते हैं, तो नमक बहुत ज़्यादा ऐड मत करिए। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें पानी डालकर एक पतली सी स्लरी बना लूँगी।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने मंचूरियन की ग्रेवी में इसे ऐड करेंगे। आप देख सकते हो जैसा कि अभी बहुत पतली ग्रेवी है, बट इसे ऐड करते ही हमारी ग्रेवी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और एक बढ़िया सी चमक आ जाएगी। तो मंचूरियन में आप ये स्लरी ज़रूर ऐड करें। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ये अच्छे से सारा हमें लग जाएगा इसमें मिक्स करने में। आप देख सकते हो जितनी मैंने स्लरी बनाकर रखी थी सारी ऐड कर दिया है। अब बढ़िया सा इसे हम उबाल देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा हरा प्याज काट के डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से पक जाएं। आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो गया है। अब जो मैंने मंचूरियन बॉल्स बना के रखी हैं उसे भी ऐड कर देंगे। और उसे ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी ताकि अच्छे से हमारी मंचूरियन बॉल्स ग्रेवी में आ जाएं। फिर मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सिज़मे सीड डाल रही हूँ, ये वाइट तिल है। मंचूरियन में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसे अच्छे से पक रहा है। इसे ढककर हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड 2 मिनट हो गया है, कितना बढ़िया से हमारा सारी चीज़ें आपस में पक कर तैयार हो गई हैं। अब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा तिल का तेल डालेंगे। तिल का तेल अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी शाइनर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से हम हरी प्याज के साथ इसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं एक बाउल में। आप देख सकते हैं लुक वाइज कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा है, सुपर टेस्टी बनाकर मैंने इसको तैयार किया है। तो आप भी ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें, अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि कैसा बना है आपका मंचूरियन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।